हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे लिबिडो कम आउट के एक एडिटिंग की कहानी है जो काफ़ी सारे ऐसे एडिटर लोग साथ गुजरती है। मतलब मैं एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट पे मैं एक वर्कआउट कर रहा था और लास्ट 15 डेज से मैं वर्कआउट कर रहा था। उसमें काफ़ी क्रिएटिव प्रोजेक्ट था, जैसे कि उसमें बहुत कुछ करना था कि एक ओलंपिक लेवल का एक एडिटिंग था, वो मैंने शूट किया था और उसको मैं वर्कआउट कर रहा था। सो आफ्टर 15 डेज वो क्रैश हो गया। I will be talk about just Premiere Pro। आज तक हुआ नहीं है, लोगों काफी सारे ऐसे मीम्स बनाते हैं, काफी सारे ऐसा जॉक्स होता है Premiere Pro का, नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ क्रैश हुए, मतलब उस लेवल के क्रैश नहीं हुए जो लोग उसको बता रहे थे। आज एक धोखा हो गया, ऐसा लगा कि ऐसे पूरी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि काफी हाईली पेड प्रोजेक्ट था और जो हाल फिलहाल जो ओलंपिया होने वाला है उसका वो वीडियो, जस्ट लुक एट माई, पता नहीं दूज रहे थे, अभी तक दूज रहे थे क्योंकि वो रिकवर नहीं हुआ है। और पूरे टेंशन में फिर से मैंने उसको दोबारा क्रिएट किया है एज ए डैविंची रिजोल्व में, और वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया क्योंकि डैविंची रिजोल्व मैंने आज तक यूज नहीं किया है। थोड़ा बहुत ओपन किया है, थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग किया है, फिर उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर अर्जेंटली होता है, तो अर्जेंट करने के लिए मैं डैविंची रिजोल्व पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था, इसलिए मैं अभी तक सिर्फ प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा था। और प्रीमियर प्रो लास्ट 15 दिन से मैं एक वर्कआउट कर रहा था, उस पर काफ़ी क्रिएटिव वीडियो बन गया है, काफ़ी क्रिएटिव। इनशॉर्ट कि वो जस्ट 1 मिनट का वीडियो है, जस्ट 1 मिनट का वीडियो आप लगातार 4 बार देखोगे, उस लेवल का उसको एडिटिंग करके मर्चिंग करके उस टाइप का उसमें एंगेजिंग डाला है, उसमें ऑडियो VFX सब कुछ डाला हुआ है। एंड देन इस क्रस एकदम से ऐसी दुनिया जैसी उजड़ गई मेरी, तो अभी भी हाथ दुझ रहे हैं। मतलब अब तक अलहमदुलिल्लाह एडिटिंग हो गया है। मैं डैविंची रिजोल्व में लास्ट 10 दिन से मैं एडिटिंग ही कर रहा था और उसमें मैंने एडिटिंग करके पूरा प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म कर दिया है, उसको रेंडर भी लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद भी आया है। और इट्स गुड, मतलब मैं उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि नहीं ये कोई ऐसी बुराई नहीं है प्रीमियर प्रो, मैं आई थिंक 2015 से कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ एज आई एम अ वीडियो एडिटर, एंड मैंने लगातार वीडियो एडिटर की है, वीडियो एडिटिंग किए हुए, तो मैं ऐसी बुरा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक जस्ट बता रहा हूँ कि और डैविंची रिजोल्व की तारीफ नहीं कर रहा क्योंकि जस्ट मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है। ओके, मैं एक एडिटिंग की कहानी बता रहा हूँ, एक एडिटिंग का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे, जो आप जजमेंट लोगे कि ये चीज़ मुझे रखनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ जानी है, वो फर्स्ट टाइम जो जजमेंट होता है वो दोबारा आई थिंक वो नहीं हो पाता है। मैंने ऐसा पहले भी मैंने महसूस किया था, फीडबैक भी मेरे से हुआ है, आज मेरे से बहुत बड़े लेवल पे हो गया कि फर्स्ट टाइम जो जजमेंट लेके जो आप क्रिएटिविटी से जो चीज़ बना रहे हो वो सेकंड टाइम 19-20 होती है और 19-20 हो ही जाती है। आई डोंट नो क्यों हो जाती है, खुद मैंने ही बनाया, खुद मैंने ही शूट किया, खुद मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिम का वीडियो है, ये वीडियो है, गेम का मैंने ही शूट किया है, मैंने ही फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पहले जैसा नहीं बन पाता है। जस्ट एक वीडियो एडिटर जब अपना एडिटिंग का प्रोजेक्ट लेके बैठता है, फिर उसमें जो जजमेंट लेता है, शॉट बीट रोलिंग बी रोलिंग जो भी जजमेंट लेके जो पुट आउट करता है अपनी क्लिप प्रीमियर प्रो पे, टाइमलाइन पे, कहीं पे भी, कोई भी सॉफ्टवेयर पे, फिर उसको दोबारा अगर जो करने का हुआ तो आई डोंट नो कि अच्छा बन भी सकता है नहीं भी अच्छा बन रहा, मतलब मैं पहले जैसा नहीं होगा ये कंफर्म है। और ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार पहले भी हुई है जो मेरे करियर में, और अभी भी फिर से हुई है, जो पहले जैसा क्रिएटिविटी नहीं निकल पाई है, जो पहले जो जजमेंट था वो सेकंड टाइम उसी फुटेज पे जजमेंट लेना बेहतर नहीं हो पा रहा है। आई थिंक कि मुझे उसमें ज़्यादा वक्त देना चाहिए तब ऐसा हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, काफ़ी चीज़ें उसमें डाली हुई है, काफ़ी क्रिएटिविटी की हुई है, और वही क्रिएटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टाइम ऑब्वियसली बात है कंटा लाएगा, मन ही नहीं होगा करने का। उस वजह से मैंने 2 दिन रेस्ट लिया, फिर से मैंने एडिटिंग शुरू किया, वो भी नए सॉफ्टवेयर में। अगर चाहता तो प्रीमियर प्रो पे करके उसी चीज़ को थोड़ा फास्ट कर सकता था, या वो भी एक मेरी गलती हो सकती है। मतलब मैंने एक डैविंची रिजोल्व यूज़ किया लास्ट 8 डेट से और मैंने मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म किया और खुद मैं 19-20 सेटिस्फाई हुआ। सो दैट्स रीज़न कि अगर फर्स्ट टाइम जो जजमेंट लेता है
वही एडिटिंग का जजमेंट ऑलमोस्ट 100% सक्सेस हो सकता है। ये सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क के आधार पर है। अच्छा नहीं भी हो सकता है, अच्छा हो भी सकता है, सेकंड टाइम अच्छा हो सकता है, मतलब मेजोरिटी बात है, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है जो फर्स्ट टाइम क्रिएट करने में है वही अच्छा है और बेहतर है। मैं डाविंसी रिजोल्व ही यूज़ करूँ, कंटिन्यू करूँ, क्योंकि वो पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, वो नोड बेस सिस्टम, कलर बेस सिस्टम एडिट, मतलब मैं जब जब यूज़ करना स्टार्ट किया तब तब थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू हुआ, अभी थोड़ा बेहतर लगना शुरू हुआ। आई डोंट नो, वो भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह 15 दिन बाद की। अगर डाविंसी रिजोल यूज़ करना है, सब बोलते हैं बेहतर है, प्रीमियर भी बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये जो क्रैश वाली बात है ना, साली डील पे चोट लग गई है, पता नहीं क्यों, सब कुछ अच्छा हो गया फिर भी आज कहाँ पर है, क्योंकि वो एक्चुअली कैरियर के सवाल का टाइप का मेरा एडिटिंग था, उससे मेरा आगे का बूस्ट मिलता, मुझे मेरा कैरियर डिसाइड होना, मैंने अलहमदिल्ला जो भी है अच्छा हुआ है, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल गुड है। मतलब मैं एक ही छोटी बीस 19-20 की कहानी है कि फर्स्ट टाइम जो क्रिएट होता है, फर्स्ट टाइम जो जजमेंट होता है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर होता है। तो हो सके तो ये ध्यान रखिए और फ्रेश में एडिट करिए, जो भी है फर्स्ट टाइम फ्रेश जजमेंट उसके साथ ही एडिट करिए, तब हमेशा सक्सेस होता है प्रोजेक्ट। और आई होप कि मैं ऐसा डाविंसी में ट्रांसफ़र हो पाऊँ, क्योंकि होना तो है ही, फ्री भी दे रहा है, क्रशिंग का भी प्रॉब्लम का, हाँ लैग तो होता है, ऐसा नहीं है, लैग होता है, कम होता है, आई थिंक अभी तक मैंने यूज़ किया लैग ही नहीं हुआ है, वैसे तो प्रीमियर भी मेरा बहुत कम लैग हुआ है, मतलब मैं देखते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक डाविंसी रिजोल पे ट्रांसफर होने की शुरुआत करते हैं, और इंशाल्लाह उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा 15 दिन बाद कि कैसा लगा डाविंसी रिजोल, क्या दोनों में क्या मेजोरिटी है और क्यों डाविंसी रिजोल में मैं ट्रांसफर होने के लिए मजबूर हो गया, और मजबूर तो इसी कारण का हो गया, और अच्छा लगना चाहिए, सॉफ्टवेयर एडिटिंग सब बैठ ही आना चाहिए हाथ पे। ओके तो मिलते हैं इसी टाइप से 15 दिन बाद डाविंसी रिजोल वाले वीडियो में। थम्स अप।